अरे गणपति बाप्पा बोले जाय कबे सो ये गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे गाइस मेरे ख्याल से। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ उधर पुलिया के पास, वहाँ पे हमारा गणपति बैठता है, मतलब हाड़ पक्या गणपति बोलते हैं हमारे इधर, और मस्करे भी बोलते हैं। तो हमें मतलब हम जा रहे हैं सभी लोग लाने के लिए, चार बजे जाएंगे गाइस लाने के लिए। तो अभी मंडप का काम चालू है, अभी मंडप जो था गणपति बप्पा का, तो अभी उसको अच्छे से सजाना है, पाल वाल डालना है गाइस। तो चलिए गाइस चलते हैं गाँव में फिर देखने के लिए। फिर सो गाइस अभी मैं घर से इधर आया मंदिर के पास इसे देखने के लिए पानी कितना है। तो देखो गाइस कितना नदी में पानी आया, रात भर पानी था गाइस, तो जैसे अभी नद पूरी भर चुकी है, बहुत पानी आया गाइस। अभी पाल लाए गाइस मंडप को सजाने के लिए। देखो गाइस ये मेरा फ्रेंड है, डॉग के साथ खेल रहा है अभी बड़े प्यार से, और उसको कुछ भी नहीं कर रहा है वो डॉग, उसका फालतू डॉग तो नहीं है ये, गाँव का है मेरे, पर उसके पीछे पीछे घूमता रहता है क्योंकि उस पर रोटी डालता है ना, इसके ही कारण उसके पीछे रहता है। देख लो अभी मूर्ति रखने के लिए जगह बना रहे हैं अच्छे से, मंडप तो तैयार हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत पाल वाल लगाना है अंदर से, बाहर ऊपर से तो हो गया पाल डाल के, अभी अंदर से लगाना है, और अभी ये स्टेज बना रहे हैं। सो गाइस अभी पप्पा के पास ले जाने मतलब साउंड की जरूरत है, तो हमें तो अभी साउंड लेके जा रहे हैं, दो बक्से और एक मशीन और एक पोंगा गाइस ऑटो में। गाइस अभी सामान रख रहे हैं ऑटो में, बक्से रख दिए हमने, अभी मशीन लेके जा रहे हैं, तो मशीन रख दी भैया ने, तो अभी ऑटो तो स्टार्ट ऐसे नहीं हो। अभी सामान तो रख दिया है, मशीन ही है, दो बक्से पीछे और पोंगा रख रहे हैं अभी फिलहाल। तो अभी गाइस इसको धक्का मार के चालू करना पड़ेगा हमें, अभी धक्का मार रहे हैं भैया, सभी लोग धक्का मार रहे हैं, पीछे लगा दिया है, पीछे रख दिया उसको मुंगे को, और अभी चालू हो गया गाइस, हो गया अभी इसमें बैठता हूँ मैं भी गाइस जी। अभी पप्पा के लिए स्टेज बन चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं मूर्ति को लाने के लिए। अभी देख लो गाइस थोड़ी देर बाद ऐसे पाल वाल लगा दिए और सजावट बाकी है गाइस इसकी, अभी हम सभी लोग मूर्ति लाने जा रहे हैं गाइस। ए गाइस अभी हम जा रहे हैं गणपति बापू को लाने पिकअप से, और एक अपने दोस्त लोग अटके है, ये अशोक है और एक गोलू और एक है और हमारा ड्राइवर है प्रवीण, वो गाड़ी चला रहा है, ये पिकअप में बैठे हम। अभी हम पिकअप से सौसर पहुँच चुके गए, अभी थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ रुक गए थे, अभी और आगे जाना है गाइस हमें। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे मूर्तिकार के यहाँ, मतलब यहाँ पे पिकअप रोक दिया हमने, तो इससे आगे नहीं जा सकता, छोटी रास्ता है। तो और गाइस ये देख रहे हो साइड में ये नदी है, कोई नदी है या नाला, कुछ नाम नहीं पता इसका। तो गाइस अभी हम उधर से, ये घर है उनका मूर्तिकार का, तो मेरे मतलब मेरे साथ जो आए थे दो तीन लोग वो भी यही है, और एक गणपति बप्पा को भी लेके जा रहे हैं, अभी उनकी सजावट पूरी हो चुकी थी, तो वो मतलब सजावट साज वाज वो हो चुका था, तो लेके जा रहे गाइस एक बप्पा को, मस्त है बप्पा को। यहाँ पे देख लो रूम मतलब मूर्तिकार के, यहाँ पे ये बहुत सारी मूर्ति है उन्होंने बनाई है, सभी ऑर्डर किया है शायद, पता नहीं, तो सभी ऑर्डर किया ही है, और हमारी मूर्ति उधर है। अभी और एक मूर्ति लेके जा रही है गाइस, अभी इसकी पूजा करके अंदर में, इसकी मतलब मूर्ति की पूजा की अंदर में अभी लेके जा रहे हैं। हमारी मूर्ति को तो टाइम है, वैसे हमें बच जाएंगे रात के 9 बज जाएंगे गाइस ले जाने में। तो गाइस ये वाली मूर्ति हमने चूज की थी, अब इसकी सजावट तो पूरी हो चुकी है, अभी इसकी पूजा करना बाकी है, इसकी पूजा करके गाइस मूर्ति की, तो उसके बाद लेके जाएंगे गाइस हमारे गाड़ी में पिकअप लाया था हमने। हम पहुंच चुके हैं घर पे मूर्ति लेके, तब मूर्ति अभी भैया के घर पे रखी है, मंडप का थोड़ी सजावट बाकी थी, तभी गाइस यहाँ पे मतलब पप्पा की आरती होंगी, और आरती के बाद उसको लेके जाएंगे मंडप में गाइस मूर्ति स्थापना के लिए। अभी तैयारी तो हो चुकी गाइस पूरी, अभी मूर्ति लाने जा रही है हम लोग, आरती होगी गाइस उधर की,
अभी तक गणपति बापा की मूर्ति को अभी मतलब उनको हार वार चढ़ा रहे गाइस। उसके बाद कुछ समय बाद आरती होगी गाइस, अभी पूजा हो रही है। तो गाइस अभी आरती हो चुकी है कुछ सेकंड पहले ही। अभी गाइस प्रसाद खा रहे हम लोग, सभी लोग प्रसाद खा रहे गाइस। देखो अभी मूर्ति स्थापना हो चुकी गाइस। सो गाइस यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।